जय श्री राम दोस्तों, पेपर लीक मामले में तीन और प्रश्न पत्र मिले हैं JOIT के अलावा। कौन कौन से यह प्रश्न पत्र हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कौन अभी जो SIT की जो जांच हो रही है इस मामले में, JOIT के पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे पोस्ट कोड हैं जो कि हैं जिनका लीक होने का मामला जो पता चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कौन सी पोस्ट है वो निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सेंटर से जो टेस्ट कराए जाते हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है हमारा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो दो कैलेंडर जो है 2023 से लेकर 2024 तक का कैलेंडर जो है इन्होंने जारी कर दिया है। और जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और जितने भी मैकेनिकल के जो एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं HP के अलर्ट में, जहां आपको हर जितने भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होती है वो आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू देने का प्रयास रहता है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। JOIT के मामले में हम जो है लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जारी की पोस्ट है वो जो प्रिंसिपल कॉलेज क्रेडर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें जो है आपकी जो जॉब वैकेंसी है वो हिमाचल में रहने वाली है। और जनवरी इसकी जो लास्ट डेट है जनवरी 27, 2023। आप इसका ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में दे सकते हैं। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 25 पोस्टें हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, सिविल जो कि जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेयर का जो एग्ज़ाम है 26 जुलाई को इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वेबसाइट पे आ जाएगी। इसकी भरने की डेट जो है आपको 16 अगस्त में देखने को मिलेगी, और इसकी लास्ट डेट जो है 16 अगस्त से पहले आपको जो मिलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल की है। और जितने भी जो पोस्टें हैं, नई नई पोस्टें हैं आपसे रिलेटेड, तो आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। पेपर लीक मामले में तीन और प्रश्न पत्र मिले हैं। विजिलेंस की रेड में एक और एजेंट के घर पे मिले हैं पेपर। तो JOIT पेपर लीक के मामले में विजिलेंस ने एक और एजेंट के घर पे छापेमारी करके तीन पेपर बरामद किए हैं। इससे पहले आपको पता होगा, जो आरोपी महिला है उस विजिलेंस ने उसके घर पर जो है छापेमारी की, तो उसमें से तीन पेपर जो है पहले आपको बताए गए थे। कौन कौन से वह पेपर थे उसकी जानकारी मैंने पहले वीडियो में दे रखी है। और अभी जो है विजिलेंस की टीम ने जो है SIT जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो विजिलेंस है वो रेड डाल रही है। तो रेड डालने के दौरान जो है इन्होंने जो है एक और खुलासा किया है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो विजिलेंस की टीम ने जो है छापेमारी की और तीन पेपर और बरामद किए हैं, वो भी एक और नए एजेंट से। तो यह कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी और पोस्ट कोड रहेंगे जो पेपर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी जानकारी होती है वो आपको जितनी भी छोटी से छोटी जानकारी होती है वो हमारे चैनल के थ्रू आपको बताई जाती है। और जितनी भी आने वाले टाइम पे आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होगा उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के थ्रू ही मिलेगी। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की जानकारी यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।